के दोस्तों, अभी हमको माली टोला से कॉल आया है। यहाँ पे बच्चा लोग आया है, तो यहाँ पे देखा है स्नेक छुपा हुआ है। चलिए आपको चल के दिखाते हैं कि स्नेक कैसा है। खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए ये लोग बच्चा लोग हैं। बच्चा को अति शूटिंग करो। देखो ये बच्चा लोग हैं, यही लोग देखा है और बोल रहा है ये रवि है, इसी का मकान है, देख सकते हैं। और इसी के अंदर स्नेक छुपा हुआ है, देख सकते हैं। चौकी पे आओ, चौकी पे आओ, देख सकते हैं यहाँ पे स्नेक छुपा हुआ है, देख सकते हैं। कौन सा फ्री नारे नारे घर बहुत मुंह है, इतना साफ है। अरे कहाँ तुम लोग हल्ला नहीं करो, देख सकते हैं। अच्छी दे रे, अच्छा दे हट ले, दे हट ले, दे भाई दे देखा बोलो। यहाँ पे देखिए इस तरह में देखिए कोबरा है, देख सकते हैं, ये बहुत खतरनाक सांप होता है, देख सकते हैं। लाइट जला के बना, देखिए लाइट जला के कोबरा है, बहुत विशाल सांप होता है, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, बरसात के दिन में जहाँ भी वर्षा उर्षा होता है तो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और ये क्लास में आता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे चूहा रहेगा, वहाँ पे सांप आएगा, देख सकते हैं। जब तक इसको छेड़छाड़ नहीं करिएगा तब तक ये बाइट नहीं करेगा, देख सकते हैं। देखिए देखिए इसके अंदर जो पायर पाया जाता है, टैक्सी जो पाया जाता है, देख सकते हैं दोस्तों। और ये किसी को भी अगर काट ले तो आधा से घंटा के अंदर मृत्यु हो सकती है, देख सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अंदर टैक्सी के अंदर देखिए टैक्सी जहर होता है, आप लोग चुपचाप देखिए, कुछ बोलवा नहीं करिए, देख सकते हैं। रेनो टैक्सी के अंदर इसके अंदर जो पायर पाया जाता है, रेनो टैक्सी जहर पाया जाता है, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसको बाहर निकालते हैं। देखिए किस तरह ये इटा में फंसा लिया हम। देखिए दोस्तों, ये पायदान बहुत ही काला सांप होता है, देख सकते हैं, ओड़ा छोड़े वाला। और कहाँ रही जो जाने घुसल नहीं कर सकते, जाल पाया जाता है। अगर किसी को हाथ पैर में सांप बाइट करेगा तो आपके पास समय आधा से 45 मिनट आपके पास समय रहेगा। इसके पहले ही आपको एंटी वेनम सुई लेना है, और एंटी वेनम सुई आपको कम से कम 12-15 एंटी वेनम सुई लीजिएगा, तभी आप बच सकते हैं, देख सकते हैं। और ये बहुत विशाला सांप होता है दोस्तों, और अपने भारत में 450 जाति का सांप होता है, उसमें मात्र 10 गो सांप को पायदान पाया जाता है, बाकी 10 गो सांप में घोड़ा छोड़ रहा है। और अपने भारत में, अपने बिहार में, भारत में तीनों सांप जो है जो सबसे जहरीला है, एक होता है नसैसल वाइपर, और एक कोमल करैत, और एक होता है जो कोबरा, जो सबसे सबसे तीसरा स्थान पे है, और एक पहला स्थान है उसका नाम है रसैसल वाइपर, दूसरा कोमल करैत। भारत के ये दो सांप जो है से बहुत विशाला है, और ये तीसरा है जो कोबरा। कोबरा अगर आपको काटेगा तो तेजी से शरीर के अंदर प्रवेश जहर करता है, और रसैसल वाइपर जब आपको सांप बाइट करेगा तब तो समय देगा, कम से कम 4 घंटा आपके पास समय रहेगा, क्योंकि उसका पॉइजन धीरे धीरे। जब तक किसी को छेड़छाड़ नहीं करिएगा तब तक ये बाइट नहीं कर सकता, देखिए। और ये सांप जितना भी सांप होता है, ये सांप का राजा होता है, क्योंकि ये सांप 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 को ही खा जाता है, और इसके पास हिम्मत बहुत होता है, सांप किसी से नहीं डरता है, देख सकते हैं। इसके अंदर जो पायन होता है, देख सकते हैं।
ये सांप को हिम्मत का दाग देना पड़ेगा क्योंकि ये सांप तो बहुत ही मजबूत है। कहाँ पकड़ रहे देख सकते हैं थोड़ा चलिए हम इसको पकड़ते हैं फिर इसको सुरक्षा जगह पर ले जाके हम इसको छोड़ते हैं। देखिए दोस्तों ये अखनी दांत तोड़ दल कही हो न देखिए सांप देखिए दोस्तों ये बहुत चालू सांप है देख सकते हैं। जो सांप होता है ये इसका जहर का जो थैली होता है आप लोग देख सकते हैं कि इसका पॉइजन जो होता है यहाँ पे पाया जाता है। इसका हम आप लोग को बताते हैं यहाँ पे इसका जहर का थैली होता है और यहाँ पे इसका जहर का थैली होता है इस जगह। और ये देखिए जब ये बाइट करेगा तो यहाँ पे देखिए किस तरह भी गिराएगा। देखिए यही इसका पॉइजन है देख सकते हैं। जब आदमी को काटता है तो यही शरीर के अंदर दो शरीर को अंदर पॉइजन छोड़ता है और इसी से आदमी को मृत्यु हो जाता है देख सकते हैं। जो ये गिराया इसका ये पॉइजन हुआ देख सकते हैं। और ये शरीर के अंदर जब ये आदमी को काटता है तो यही पॉइजन शरीर के अंदर छोड़ता है और आदमी को मृत्यु हो जाता है क्योंकि ये सांप जो होता है बहुत जहरीला होता है। इसके अंदर पॉइजन होता है जो न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। और किसी को अगर काट लेगा तो आपके पास समय 45 मिनट आधा घंटा एक घंटा समय रहेगा। उससे पहले सांप बाइट करेगा तो आपको सबसे पहले क्या कर रहा है 6 इंची पर कोई भी चीज़ से रस्सी से बांधिए और जब ये बाइट करेगा तो यहाँ पे इसका दो निशान दांत होता है एक साइड इधर और इधर। जब वो काटेगा तो आपको यहाँ पे शरीर के अंदर दो निशान रहेगा उसी निशान की जगह से आपको ब्लड निकालना है और तुरंत गाड़ी में आपको कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जाइए इसको पीएमसीएच लेके जाइए नहीं तो तारा हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर लेके जाइए। कोई झारखंड नहीं कोई तंत्र विद्या नहीं दोस्तों। अपने भारत में 450 जाति का सांप होता है अगर 440 सांप अगर आपको काटेगा तो वो जहाँ सोखा आपको झार के ठीक कर सकता है लेकिन 10 सांप अगर आपको बाइट कर लेगा तो सोखा को भी सोख लेगा क्योंकि ये बहुत विशाला सांप होता है दोस्तों। किसी को भी हाथ पैर में सांप बाइट करे कोई झारखंड नहीं कोई तंत्र विद्या नहीं एंटी वेनम सुई लीजिए इसका क्योंकि एंटी वेनम जो सुई होता है ये कोबरा के जहर से ही एंटी वेनम सुई तैयार किया जाता है और जहरीला सांप नहीं काटेगा। अगर आपको एंटी वेनम दे दिया जाएगा तो आप एंटी वेनम की सुई से ही मर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले सांप का पहचान होना चाहिए कि आपको सांप कौन सा बाइट किया कोई झारखंड नहीं कोई तंत्र विद्या नहीं दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो जाके पाल लीजिए वैशाली के लिए और मेरा वीडियो में से नंबर निकाल के बिहार के कोई भी कोना है स्नेक पकड़ने के लिए आप हमको बुला सकते हैं। मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को सेंड करिए। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हम पब्लिक को जागृत करना कि गांव देहात में जितना भी आदमी मरता है वो झाड़फूँक के चक्कर में रहता है इसी के कारण उसका मृत्यु होता है। और किसी को भी हाथ पैर में सांप बात करे तब कोई झाड़फूँक नहीं कोई तंत्र विद्या नहीं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जाइए। देखिए दोस्तों ये जब भी सांप बाइट करे तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए और उसके एंटी वेनम सी लीजिए कोई झारफूक नहीं कोई तंत्र विद्या नहीं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि हमको स्नेक पकड़ते समय में हमको स्नेक बाइट कर दिया है देखिए और हम लोग अपने बचाव के लिए तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो इस उंगली में सांप काटा है और हमने देखिए कि रस्सी से 4 जगह बांधे हुए हाथ को देखिए और ये आपको बांधना है 15 से 10 सेकेंड के अंदर ही बांधना है देख सकते हैं। और देखिए हम यहाँ हॉस्पिटल के लिए आ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और महानार हॉस्पिटल है। यहाँ पे कोई भी जहरीला सांप काटे तो सबसे पहले एंटी वेनम सुई लीजिए कोई झारफूक नहीं कोई तंत्र विद्या नहीं दोस्तों। और देखिए ये मंजीत है और ये हमको 3-4 बार हमको इलाज कर चुका है दोस्तों। देखिए इन्हीं का देन है जो हम अभी हॉस्पिटल में जिंदा है आप लोग को हम सेवा कर रहे हैं। और ये मंजीत है जब भी हमको स्नेक बाइट करता है तो एंटी वेनम सुई हमको यही एंटी वेनम सी हमको लगाता है मंजीत नाम है देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी हमको स्नेक के लिए बाइट किया है देख सकते हैं सुइया पड़ रहा है और एंटी वेनम। दोस्तों हम इस वीडियो के इसलिए बना रहे हैं कि अपने बिहार में आन आदमी आन जानता है वो लोग यहाँ पे बहुत सारा स्नेक काटने से मरता है। हम चाहते हैं कि मेरे वीडियो को आप लोग के पास
एक दूसरे आन आदमी के पास तक आप इस वीडियो को सेंड करिए, जो आप लोग को यूट्यूब द्वारा आप लोग को हेल्प हो सके दोस्तों। और मेरा वीडियो को जितना से जितना आप लोग एक दूसरे के पास सेंड करिएगा, आप लोग को पता चलेगा कि सांप काटे तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जब हम एंटी वेनम सुई के लिए जब हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर लोग, महनार हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है, हमारे साथ बहस करने लगा। बोला कि हम आपको एंटी वेनम नहीं दे सकते, आपको कौन सांप काटा है। हम बोले कि हमको कुकड़ा सांप काटा है, हम दिन रात सांप पकड़ते हैं, हमको पता है। लेकिन डॉक्टर लोग कुछ भी होता है तो रेफर कर देता है, इसी कारण आदमी को मृत्यु हो जाता है। जब भी कुकड़ा सांप काटे तो तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए होशियार आदमी को लेके, और वहाँ पे एंटी वेनम ही सुई लीजिए। दूसरा सुई लीजिएगा तो आप नहीं बचिएगा। और सबसे पहले आपको सांप पहचान होना चाहिए। जब सांप, जहरीला सांप आपको काटेगा तो तेज़ी से आपके शरीर में ब्लड आएगा,